हमारे पास सोलर के सारी वैरायटी मिल जाएगी, इन्वर्टर्स की, प्लेटों की। इसके अलावा हमारे पास स्पीकर्स की ऑल काइंड ऑफ वैरायटी है, और एसीडीसी फैंस हैं, एमपीपीटी है, चार्जर्स हैं। ये अपोलो का हमारे पास मिल जाएगा, का 1 KVA, 2 KVA, 3 KVA, 5 KVA, 6 KVA, सारे मॉडल्स हैं। एनआरई मिल जाएगा आपको, एनआरई का 1 KVA बोलेंगे, 2 KVA बोलेंगे, 3 KVA बोलेंगे, 4 KVA, 5 KVA, सारी वेरायटी है। होमेज की भी ऑल वेरायटी मिल जाएगी, अपोलो की आप देख सकते हैं नीचे और सीरीज लगी हुई है। प्रोनस का मिल जाएगा आपको, ये जियोने का पीवी 6500 है, तो उनके लिए एमपीपीटी की भी वेरायटी है। एनर्जी की भी है हमारे पास, इसके अलावा मास्टर है, पाकटेक है हमारे पास। ये फोर्स का ये लगा हुआ, फोर्स का देख सकते हैं। मैं आपको इनवेक्स का X2400 दिखा रहा हूँ, ये 1800 वॉट ओरिजिनल होता है, ये बिल्कुल न्यू ब्रांड पीस है। और फेवरेबल के लिए हम टर्मिनल्स जो है कस्टमर को लगा के देते हैं, ताकि उनको आफ्टर मार्केट को लेना नहीं पड़े। और इसमें आप देखिए, इसमें कहीं भी सोलर का ऑप्शन मौजूद नहीं है, ये इसको इलेक्ट्रिक देने का, ये आउटपुट का, ये बैटरी का, बस ये दो। इसमें ये सोलर का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। ये दो आउटपुट है, ये बैटरी का है, इलेक्ट्रिक के आउटपुट हो गए। ये फ्रंट लुक इसके ऐसे, इसमें 12 वोल्ट है, बैटरी है, सोलर है, 220 है। अच्छा, ये हाइब्रिड है तो इसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, जो हाइब्रिड नहीं होते उनमें ये ऑप्शन मौजूद नहीं होता। हाइब्रिड उस सूरत में लगते हैं जब आपके पास यूपीएस मौजूद होता है और आपको उसको सोलर से चार्जिंग देनी होती है, तो हाइब्रिड लगते हैं। और ये 30 एम्पियर का चार्जर है, 250 एम्पियर की बैटरी को भी आराम से चार्ज कर सकता है। हमारे पास ये जिनको का आपको पैनल मिल जाएंगे, TR1A ग्रेड पैनल है, 585 वॉट बाईफिशियल। इसके अलावा लॉन्जी हाइमो 7 है, 605 वॉट। इसमें आप ऊपर अगर व्यूअर्स को दिखा देंगे, इसका साइज में भी फर्क है, 4 इंच बड़ी है। अब छोटे पैनलों में हमारे पास ये आपको मिल जाएगा आर्म सोलर का 200 वॉट का, इसके अलावा ये स्काई सन का 280 वॉट का। सलाम वालेकुम यार भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे तबीयत है यार भाई? सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये गाइड करते हैं आपकी शॉप का एड्रेस और आपके पास क्या क्या चीजें हैं। देखिए, हमारी शॉप का एड्रेस है H5, शॉप नंबर H5, जुबली मेंशन कराची। शॉप का नाम है पेपरानी इलेक्ट्रॉनिक्स। और हमारे पास सोलर के सारी वैरायटी मिल जाएगी, इन्वर्टर्स की, प्लेटों की। इसके अलावा हमारे पास स्पीकर्स की ऑल काइंड ऑफ वैरायटी है, सही है। इसके अलावा साइन वेव, नॉर्मल यूपीएस, स्टेबलाइजर्स हो गए आपके, सर्वो मोटर स्टेबलाइजर्स हैं, शॉर्ट बैकअप्स हैं हमारे पास, और एसीडीसी फैंस हैं, एमपीपीटी है, चार्जर्स हैं, सही है। और बहुत बड़ी रेंज पड़ी है सोलर जी, अलहमदुल्ला। शॉप में वैरायटी तो भरपूर पड़ी है, पैनल्स की, इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर से स्टार्ट करते हैं, इन्वर्टर की वैरायटी। इन्वर्टर सबसे पहले ये आप देख लें, ये अपोलो का हमारे पास मिल जाएगा, सही है। इसका 1 KVA, 2 KVA, 3 KVA, 5 KVA, 6 KVA, सारे मॉडल्स हैं। इसके अलावा एनआरई मिल जाएगा आपको, एनआरई का 1 KVA बोलेंगे, 2 KVA बोलेंगे, 3 KVA बोलेंगे, 4 KVA, 5 KVA, सारी वैरायटी है। होमेज की भी ऑल वैरायटी मिल जाएगी, सही है। अपोलो की आप देख सकते हैं नीचे और सीरीज लगी हुई है। प्रोनस का मिल जाएगा आपको, हर मॉडल मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जियोनिक मिल जाएगा, ये जियोनिक का पीवी 6500 है, सही है। इसके अलावा ये मजीद कुछ इन्वर्टर्स यहाँ लगे हुए, इनवेरिक्स है हमारे पास। और इसके अलावा माशाल्लाह जितने भी ब्रांड्स हैं सब आपके पास जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेलेक्टेड एक दो ब्रांड नहीं, 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 सारे नहीं। मतलब ये वन स्टॉप शॉप है, सही। हर चीज आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा और जो लोग 12 वोल्ट पर डायरेक्ट चलाना चाहते हैं, जिनको नहीं लगाना, तो उनके लिए एमपीपीटी की भी वैरायटी है, एमपीपीटी की भी काफी डिमांड जी, एनर्जी की भी है हमारे पास। इसके अलावा मास्टर है, पाकटेक है हमारे पास, सही है। फोर्स का ये लगा हुआ, फोर्स का देख सकते हैं, सही है। फोर्स का मिल जाएगा हमारे पास, हर चीज मिल जाएगी, हाइब्रिड नॉन हाइब्रिड दोनों मिल जाएंगे जी। मैं आपको इनवेक्स का X2400 दिखा रहा हूँ, ये 1800 वॉट ओरिजिनल होता है, सही है। इसका मॉडल है X2400। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, कितने केवी का हो जाएगा ये? तकरीबन 2 KW कहते हैं इसको, लेकिन ये वॉट 1800 वॉट प्रॉपर लोड ये उठाता है, सही है। ये बिल्कुल न्यू ब्रांड पीस है, सही है। और फेवरेबल के लिए हम टर्मिनल्स जो है कस्टमर को लगा के देते हैं, ताकि उनको आफ्टर मार्केट कुछ लेना नहीं पड़े, उनको हर चीज हम साथ लगा के देते हैं। डिस्प्ले यहाँ सब कुछ मिल जाएगा जी। और इसकी प्राइस जो है वो है 52,000 जी। इसकी 1 ईयर कम्प्लीट कंपनी की वारंटी है, सही है। इस पे 4 पैनल सपोर्टेड है, सही है। 4 585 के लगा लें, 605 के लगा लें आप, 4 पैनल ये आराम से सपोर्ट कर लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्रिज चला देगा, नहीं, फ्रिज नहीं चलाएगा ये, नॉर्मल यूजेज जी, नॉर्मल यूजेज आराम से चला रहेगा। अच्छा, अब हमारे पास कुछ सादे यूपीएस भी आपको मिल जाएंगे, जैसे इनवेरिक्स है, ट्रेन है, ओमेगा है,
साको है, अपोलो है, तो ये माइक्रोटेक है, एमजेड के ऑल वैरायटी मिल जाएगी आपको, आरएसी है, तो ये ओमरोनस है, कैटरपिलर है, सही है, ये यूपीएस है जी, ये सिंपल यूपीएस है विदाउट सोलर। इसके अलावा बिस्टेक मिल जाएगा आपको, सही है। और आगे की तरफ हम आते हैं थोड़ा सा, तो एनएस का भी हमारे, ये सोलर वाला एनएस है, सही है। और ये हमारे कुछ साइन वेव यूपीएस भी मिल जाएंगे, बिस्टेक हो गया, स्टेविक हो गया और सोलो हो गया, ये साइन वेव यूपीएस है। साइन वेव यूपीएस से मराज जो है ना वो ये है कि आपका अगर कंप्यूटर या कुछ भी चलाते हैं ना और लाइट जाती है, तो नॉर्मल यूपीएस में एक हमिंग की आवाज करता है पंखा लाइट जाने पर, इसमें पता भी नहीं चलता कि फ्लूइड ये 0.00 सेकंड में ये स्विच कर लेता है बैटरी का, मतलब कोई भी सर्वर आपका बंद नहीं होगा। बेसिकली कंप्यूटर या ऑफिस बेस्ड जगहों पे ज्यादा कामयाब रहता है। तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये दिखा देता हूँ, देखिये आजकल जो है ना इन्वर्टर यूपीएस को भी बोला जा रहा है, पर इन्वर्टर प्रॉपरली एक टर्म जो है ना वो उसके अंदर है जिसमें के इलेक्ट्रिक के अलावा भी किसी और चीज की इनपुट आ रहा हो, जैसे सोलर है। इनमें जो है सादे यूपीएस में सोलर का ऑप्शन नहीं होता पीछे, मैं आपको डिफरेंस भी दिखा दूंगा दोनों इनके बॉक्सेस पे भी इन्वर्टर लिखा होता जी, मैं आपको ये एक सादा खोल के दिखाता हूँ, फिर ये एक साको का है, सोलर वाला ये खोल के दिखाता हूँ, तो आपको फर्क पता चल जाएगा क्या सादे में और उसमें फर्क क्या है। अब ये जैसे सादा यूपीएस है, सही है, ये अभी फिलहाल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 24 वोल्ट का दिखा रहा हूँ जी। अब ये जो यूपीएस है इसका ये डिस्प्ले है, और इसमें आप देखिए इसमें कहीं भी सोलर का ऑप्शन मौजूद नहीं है, ये इसको के इलेक्ट्रिक देने का, ये आउटपुट का, ये बैटरी का, बस ये दो ऑप्शन, ये यूपीएस में होता है, सही है। इसके अलावा अब मैं आपको दिखाता हूँ ये साको का सोलर वाला यूपीएस है, सही है। साको का सोलर वाले यूपीएस में जो है इसमें सोलर का ऑप्शन मौजूद है, अब ये देख लें आप, इसमें ये सोलर का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, ऑप्शन मौजूद, ये दो आउटपुट है, ये बैटरी का है, सही है। इसके अलावा ये आपका नॉर्मली के इलेक्ट्रिक के आउटपुट हो गए। अच्छा, इसका आप फ्रंट लुक भी दिखा देते हैं कस्टमर को, ताकि कस्टमर को पता चल जाए कि साको दिखता कैसा है। ये फ्रंट लुक इसका ऐसा, इसकी कोई वारंटी वगैरह होती बिल्कुल है? बिल्कुल, इन दोनों की एक साल की मुकम्मल वारंटी है, एक साल वारंटी जी है। ये वाला मिल जाएगा 25,000 रुपए का, ये वाला मिल जाएगा 30,000 रुपए का। इसमें आप 280 वॉट के 3 से 4 पैनल आराम से लगा सकते हैं, इसमें हैवी पैनल नहीं लग सकते क्योंकि हर इन्वर्टर की एक पीवी होती है सोलर की, तो इसकी पीवी थोड़ी लो है, ये लो बजट इन्वर्टर है, ठीक है, क्योंकि रेंज कम हो उसको सोलर लगाना है तो ये उसके लिए कामयाब है। अब ये एनर्जी का एमपीपीटी है, सही है, अब ये एमपीपीटी है, सही है, ये 70 एम्पियर का इसका चार्जर है, सही है। और ये रहा इसका ये डिस्प्ले है, इसमें ये जी इसमें 12 वोल्ट है, बैटरी है, सोलर है, 220 है। अच्छा, ये हाइब्रिड है तो उसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, जो हाइब्रिड नहीं होते उनमें ये ऑप्शन मौजूद नहीं होता। हाइब्रिड उस सूरत में लगते हैं जब आपके पास यूपीएस मौजूद होता है और आपको उसको सोलर से चार्जिंग देनी होती है, तो हाइब्रिड लगते हैं इसके साथ एमपीपीटी जी, बिल्कुल। और इसके अंदर दूसरा 24 वोल्ट 12 वोल्ट दोनों के ऑप्शन है, सिंगल बैटरी तो आप ये 12 वोल्ट पे कर देंगे, डबल बैटरी लगा रहे तो 24 वोल्ट पे कर देंगे। इसकी क्या प्राइस और क्या वारंटी? ये वाला जो है क्योंकि हम बेसिकली ये खुद अपना मंगवा रहे हैं कंपनी से, तो इसके होलसेल रेट सादे वाले की 10,800 रुपए और हाइब्रिड वाले की 13,800 रुपए। तो सामने पड़ा हुआ ये हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है, इसकी 13,800 है, सादा वाला 10,800 का, सादा भी डिजाइन वाइज सेम ही है, बस इसमें ये चीज मौजूद नहीं है। अच्छा, अब मैं उन लोगों के लिए चार्जर दिखा देता हूँ जो बैटरी डायरेक्ट चार्ज है, तो एक है यूनिपैक का चार्जर है, एक है फिल्को का चार्जर है, सही है। अब इन दोनों में फर्क है कि ये नॉन वारंटी है, ये वारंटी है, इसकी 6 महीने की मुकम्मल रिप्लेसमेंट वारंटी है। अच्छा, खराब हो गया तो रिप्लेस जी। और ये 30 एम्पियर का चार्जर है, 250 एम्पियर की बैटरी को भी आराम से चार्ज कर सकता है, ठीक है, सही है। इसके अलावा मैं आपको मजीद दिखा देता हूँ कि ये पब्लिक एड्रेस का सिस्टम जो मस्जिदों वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, और मस्जिदों के लिए हम खुसूसी डिस्काउंट भी देते हैं जी। जैसे ये आपको मशीन्स मिल जाएगी, इसमें इसमें जो है 4 चैनल होती है, 6 चैनल होती है, बेसिकली ये बनी जाती है जितने लाउड स्पीकर और जितने अंदर के स्पीकर यूज है उस हिसाब से ये बनी जाती है। इसके अलावा हमारे पास ये कॉलम स्पीकर्स हैं, माइक की डिफरेंट वेरायटी आप देख सकते हैं,
माइक डिफरेंट मिल जाएंगे। ये कौन से माइक है? ये वायरलेस माइक है? नहीं, ये वायर वाले माइक है, वायरलेस माइक ये है प्रोफेशनल के। सही है, इसके अंदर हैंड वाले भी मिल जाते हैं और हेडकेयर वाले भी मिल जाते हैं। इसके अलावा तमाम रेंज वाले स्पीकर जितने हैं वो भी आपके जितने स्पीकर हैं, थोड़ा सा हम कस्टमर को दिखा भी देते हैं। ये कुछ स्पीकर यहाँ पड़े हुए, ये चार्जिंग वाली वेरायटी है। सही है, ये एसी डीसी वाले ऑडियोनिक ब्रांडेड जो है ऑडियोनिक वगैरह जी। और सबसे बड़ी बात ये एफएनडी आप देख सकते हैं, बहुत पुराना ब्रांड है, इसका भी हमारा मिल जाएगा। फिर ये श्योर कंपनी का ओरिजिनल स्पीकर है। सही है, ये छोटे सेटअप में स्पीकर है, मतलब कम रेंज में एक कोई भी इनमें से आप लेख लें, इनमें से आपको 1200 रुपए का मिल जाएगा जी। और एक साल की मुकम्मल वारंटी के साथ, और क्या चाहिए इतने पैसों में। ये चार्जिंग वाले हैं, ये बिजली वाले की कुछ ये वेरायटी लगी हुई, लोकल मेड है ये। और ये चार्जिंग वाले बड़े हैं स्पीकर। अच्छा, ये चार्जिंग वाले जी, जी। इनके क्या प्राइस रेंज होती है? देखें, मिनिमल जो स्टार्ट होता है वो 25,000 से लेके वो हमारे पास 70,000 तक का मिल जाएगा आपको। मतलब हर बजट वालों के लिए जी। और हमारे पास चार्जिंग में जो छोटे में छोटा 1200 से लेके 70,000 के रेंज में हर साइज में स्पीकर हमारा मौजूद है जी। अब मैं कुछ एसीडीसी फैन दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास एक ही कंपनी का मिलेगा, बेलविन का। वजह ये है कि इसकी वारंटी टाइम अच्छा है, 2 साल की सर्किट है, 3 साल की मोटर है, और 1 महीने के अंदर किसी भी किस्म की खराबी पे 100 रुपए लेगा बंदा, फ्री में आके सही करके चला जाएगा। अरे वाह, इसके डिफरेंट मॉडल्स है, लेजेंड है, ब्लॉसम है, लीगल है। ये 9,500 से लेके 12,000 की रेंज में ये मिल जाएगा। 9,500 का लीगल है, बाकी जैसे जैसे डिजाइन की तरफ जाएंगे तो रेट थोड़े बढ़ते रहते हैं। सबसे मिनिमम जो है वो 9,500। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास ये जिनको का आपको पैनल मिल जाएंगे। TR1 A-grade पैनल है, 585 वॉट बाइफेशियल। ये TR1 A-grade पैनल है जिनको, ये 19,500 का आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये लॉन्जी हाइमो 7 है, 605 वॉट। इसमें आप ऊपर अगर व्यूअर्स को दिखा देंगे, इसका साइज में भी फर्क है, 4 इंच बड़ी है। सही है, ये आपको मिल जाएगा 21,000 रुपए का जी। 605 वॉट है और बाई फीचर है, और ये क्लाउडी मौसम में 50% जनरेशन करती है बिल्कुल। और इसके अलावा छोटे पैनलों में हमारे पास ये आपको मिल जाएगा आर्म सोलर का 200 वॉट का। इसके अलावा ये स्काई सन का 280 वॉट का, 200 वॉट वाला 8,000 का है, 280 वॉट वाला 11,500 रुपए का है। अपोलो का मिल जाएगा 13,500 का, 150 वॉट है। मैं ऑनलाइन का भी तरीका बताता हूँ। हमारा फेसबुक पेज है पिपरानी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, आप उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0331-365-2357। सही है, इसके अलावा शॉप का है जुबली मेंशन सदर रीगल कराची, शॉप नंबर H5। पिपरानी इलेक्ट्रॉनिक्स का गूगल पर रजिस्टर्ड है, अगर आप गूगल मैप पर भी लिखते हैं पिपरानी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको डायरेक्ट हमारी दुकान के स्टॉप पे लाके खड़ा करेगा। शॉप की टाइमिंग भी 11 to 10 तक की हमारे टाइमिंग है। सही है, और संडे को हम होते हैं 12 to 7 तक मौजूद होते हैं। फ्राइडे ऑफ नहीं होता, संडे को टाइमिंग शॉर्ट होता है। ठीक है, बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। थैंक यू।